नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फाइनेंशियल ज्ञान। दोस्तों, आज हम जिन दो कंपनीज के कंपैरिजन की बात करने वाले हैं, उनमें से पहला नाम है सिग्ना टीटी के और दूसरा नाम है एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। सिग्ना टीटी के का जो प्लान है उसके हम चार वेरियंट्स की बात करेंगे, प्लस ऑप्टिमा रीस्टोर के साथ हम आपको उसका कंपेरिजन करके दिखाएंगे, जो एचडीएफसी का प्लान है ऑप्टिमा रीस्टोर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो हम सिग्ना टीटीके का प्लान लाए हैं प्रो हेल्थ प्लान और एचडीएफसी अर्गो का प्लान है ऑप्टिमा रीस्टोर। प्रो हेल्थ प्लान के जो हैं हमारे पास है चार वेरिएंट, जिनके हम चारों के बारे में आपको बताएंगे, और जो ऑप्टिमा रीस्टोर है उसका एक ही वेरिएंट रहेगा। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं। अगर हम सम इश्योर्ड की बात करते हैं तो प्रो हेल्थ प्रोटेक्टर जो प्लान है, इसमें जो आपको सम इश्योर्ड कंपनी आपको प्रोवाइड करवा रही है वो है 2.5 लाख, 3.5 लाख और 4.5 लाख का। ठीक है, प्रो हेल्थ प्लस प्लान की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको जो सम इश्योर्ड अवेलेबल है वो है 4.5 लाख, 5.5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख का। प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको जो सम इश्योर्ड कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो है 15 लाख, 30 लाख और 50 लाख। प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 1 करोड़ तक का सम इश्योर्ड कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ऑप्टिमा रीस्टोर की। इसमें जो आपको सम इश्योर्ड मिलेंगे वो मिलेंगे 3 लाख से लेकर 50 लाख तक के। आगे हम बात करते हैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट की। अगर हम प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान की बात करें या प्रो हेल्थ प्लस प्लान की बात करें तो ये जो है इन पेशेंट ट्रीटमेंट, ये चारों ही प्लान जो हैं इसमें कवर हो रहा है, प्लस ऑप्टिमा रीस्टोर में भी ये कवर होएगा आपका। ठीक है, रूम रेंट की बात करते हैं। प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान में आपको शेयर अकोमोडेशन मिलेगी, यानी कि आपको सिंगल रूम नहीं मिलेगा। प्रो हेल्थ प्लस प्लान की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल प्राइवेट रूम, और अगर हम प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिल रहा है। प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिल रहा है। अगर हम बात करें ऑप्टिमा रीस्टोर की तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिल रहा है, यहाँ पे नो सम लिमिट है आपका, किसी भी रूम रेंट में किसी तरीके की कोई कैपिंग नहीं है। अगर हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो प्रो हेल्थ में आपके प्री और जो पोस्ट है वो है 60 एंड 90 डेज़। अगर प्रो हेल्थ प्लस प्लान की बात करें तो इसमें है 60 एंड 180 डेज़। अगर प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान की बात करें इसमें है 60 एंड 180 डेज़, और प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान की बात करें इसमें भी 60 एंड 180 डेज़ हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑप्टिमा रीस्टोर की तो इसमें भी आपका 60 एंड 180 डेज़ हैं। डे केयर प्रोसीजर की बात करें तो चारों प्लान प्लस हमारा जो ऑप्टिमा रीस्टोर है, ये पाँचों में ही आपको इसका जो है कवर मिलेगा, डे केयर प्रोसीजर का टोटल कवर मिलेगा। डोमिसाइल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ये भी सभी कंपनीज जो हैं, दोनों कंपनीज का जो सारे प्लान्स हैं ये सभी कवर कर रहे हैं। एमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करते हैं तो इसमें जो आपका प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान है, इसमें आपको अप टू 2000 तक की जो हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगी। प्रो हेल्थ प्लस प्लान में अगर हम जाएँ तो 3000 तक की हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगी। प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान की बात करते हैं तो देर इज़ नो सब लिमिट, और अगर हम प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान की बात करते हैं तो देर इज़ नो सब लिमिट, और अगर हम AMHI यानी कि HDFC अर्गो के ऑप्टिमा रीस्टोर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको एमरजेंसी एम्बुलेंस है अप टू 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कवर कर रहे हैं। डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान में नहीं कवर नहीं हो रहा। अगर हम इसके जो सिग्ना टीटीके के चारों प्लान्स की बात करें तो चारों में ही ये कवर नहीं हो रहा। अगर हम बात करते हैं इसकी ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान की तो यहाँ पे ये हमारा कवर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें ई ओपिनियन की बात करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस। ये हमारा जो है सिग्ना टीटीके के चारों प्लान्स में कवर होगा, साथ ही ये ऑप्टिमा रीस्टोर भी कवर कर रहा है। ऑर्गन डोनर की बात करते हैं तो ये भी सिग्ना टीटीके के चारों प्लान्स में कवर है, प्लस ऑप्टिमा रीस्टोर में भी ये कवर मिलेगा। रीस्टोरेशन सम इश्योर्ड की बात करते हैं तो ये आपके प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान, प्रो हेल्थ प्लस प्लान, प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान और इन तीनों में तो ये कवर है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान की तो यहाँ पे ये कवर नहीं हो रहा आपका रीस्टोरेशन। एम जो हमारा HDFC अर्गो है इसके अगर हम प्लान की बात करते हैं तो इसमें ये आपका कवर हो रहा है। मैटरनिटी बेनिफिट की बात करते हैं तो प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान में मैटरनिटी कवर आपको नहीं मिल रहा। प्रो हेल्थ प्लस प्लान में अगर हम मैटरनिटी बेनिफिट की बात करते हैं तो इसमें 15,000 फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड ₹25,000 फॉर सीजेरियन डिलीवरी के लिए आपको दे रहे हैं। प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपको 50,000 फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड ₹1 लाख फॉर सीजेरियन डिलीवरी जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करवा रही है। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान की तो इसमें कंपनी आपको 50,000 फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड 1 लाख फॉर सीजेरियन डिलीवरी कवर कर रही है। ऑप्टिमा रीस्टोर में मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता।
आगे अगर हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी की, तो इसमें प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान में न्यू बॉर्न बेबी जो है वो कवर नहीं मिल रहा आपको। प्रो हेल्थ प्लस प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे कवर्ड है आपका न्यू बॉर्न बेबी। अगर प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान की बात करते हैं यहाँ पे भी कवर है। प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कवर है। अगर हम ऑप्टिमा रीस्टोर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये प्लान ये चीज़ आपको कवर नहीं हो रही है। फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो प्रो हेल्थ में वैक्सीनेशन जो है वो नोट कवर्ड है। प्रो हेल्थ प्लस प्लान में ये कवर्ड है। प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान में भी ये कवर्ड है। प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान में भी ये कवर्ड है, लेकिन ऑप्टिमा रीस्टोर में ये कवर नहीं है। वर्ल्ड वाइड एमरजेंसी कवर की बात करते हैं तो ये हमारी जो है सिग्ना टीटीके के चारों प्लान्स में आपको मिल जाएगी ये, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं ऑप्टिमा रीस्टोर की तो इसमें ये नहीं कवर है। हेल्थ चेकअप बेनिफिट की बात करते हैं तो इसमें जो आपका प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान है इसमें एवरी थर्ड ईयर में आपको हेल्थ चेकअप मिलता है, यानी कि 3 साल ख़त्म होने के बाद। अगर प्रो हेल्थ प्लस प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पर कवर्ड ऑन एनुअल बेसिस फॉर इंश्योर्ड अबव 18 ईयर्स। अगर कोई पर्सन 18 साल से ऊपर का है तो वो इसको हर साल जो है ले सकता है। इसके बाद प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान की बात करते हैं तो इसमें एनुअल बेसिस पर मिलेगा आपको। जो अगर हम बात करते हैं प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान की तो इसमें भी आपको एनुअल बेसिस पर मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं ऑप्टिमा रीस्टोर की तो इसमें भी आपको हेल्थ चेकअप जो है वो मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर की बात करते हैं तो ये जो सिग्ना टीटी के हैं इसके चारों प्लान्स के वेरिएंट्स में ये ऑप्शनल है। आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। अगर हम ऑप्टिमा रीस्टोर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कवर नहीं होता। हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रो हेल्थ में जो है वो आपको 500 रुपये पर ईयर के हिसाब से मिलता है। अगर प्रो हेल्थ प्लस प्लान की बात करें तो यहाँ पर 2000 पर ईयर के हिसाब से मिलता है। अगर प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान की बात करें तो यहाँ पर 1% ऑफ सम एश्योर्ड या अप टू ₹15,000 पर ईयर आपको मिलता है। प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड अप टू ₹15,000 पर ईयर आपको जो है मिलता है। ऑप्टिमा रीस्टोर में ये ऑप्शन नहीं है। रिन्यूअल बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 5% पर ईयर मैक्सिमम अप टू 50% तक का प्रो हेल्थ में जो है रिन्यूअल बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो जिसको हम नो क्लेम बोनस बोलते हैं। प्रो हेल्थ प्लस प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। और अगर हम बात करते हैं प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान की तो यहाँ पर ये नॉट कवर्ड है। अगर हम ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान की बात करते हो तो यहाँ पर 50% के हिसाब से पर ईयर आपको जो है नो क्लेम बोनस मिलता है, जो कि मैक्सिमम 2 साल में 100% तक मिल जाता है, यानी कि तीसरे साल पॉलिसी डबल हो जाती है। अगर हम बात करते हैं पीडी वेटिंग पीरियड्स की, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ जो है वो कितने साल में कवर होंगी, तो अगर हम सिग्ना टीटीके के प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान की बात करते हैं तो यहाँ 4 ईयर्स में कवर कर रहे हैं। प्रो हेल्थ प्लस प्लान की बात करते हैं तो यहाँ 3 ईयर्स में कवर कर रहे हैं। प्रो हेल्थ प्रेफर्ड प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ईयर्स में हो रहे हैं। और अगर हम प्रो हेल्थ प्रीमियर प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 2 ईयर्स में हो रही है आपकी पीडी जो है वेटिंग पीरियड जो है वो कवर। और अगर हम ऑप्टिमा रीस्टोर की HDFC के प्लान ऑप्टिमा रीस्टोर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 ईयर्स में आपका पीडी कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था सर कंपैरिजन आपका। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिले सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।